एक्शन आ गई है, उसके लिए उन्होंने सीटें भी दे दी है जुगल किशोर जी को और जितेंद्र सिंह को। हम इनको बताना चाहते हैं, अगर आपने इलेक्शन जीतनी है तो हमारे डेली वेजर का काम कर दीजिए, रेगुलेशन पासी लागू कर दीजिए, वरना डेली वेजर का जो संत कटी हुई है कि एक भी वोट इनको नहीं डालेंगे, और हमने अपने बच्चों की कसम खाई हुई है कि एक भी वोट नहीं डालेंगे। सरकार को हमारी स्पष्ट नीति है कि आप हमें रेगुलेशन पासी लागू कर दीजिए, वरना आपका आने वाला टाइम बहुत खराब होगा। अभी तो एक कंपनी बाग बंद हुआ है, पता नहीं कौन सी का हमने ट्यूबवेल बंद करने हैं। हमने रणनीति बना ली है, हम चारों तरफ फैल गए हैं, सारे ट्यूबवेल बंद कर देंगे, सब जम्मू का पानी टोटली बंद कर देंगे। आकर में देगा प्रशासन को ये बता देने जाते हैं, अगर आपने गोली चलानी है गोली चला लीजिए, और लाठी लानी है लाठी मारिए, हम बिल्कुल नहीं हटेंगे। जब तक हमें पॉलिसी नहीं मिलेगी हमारी घर वापसी बिल्कुल नहीं होगी। अब आर पार की लड़ाई है, आर पार की लड़ाई है, जहाँ तो हम पॉलिसी लेकर उठेंगे चाहे हमारी लाशें जाएंगी। जो बैठा है ना अस भी उन्हें आखी उन्हें कि अस भी आज जिते बैठी ने थोड़ा छापा करने अस थोन सराय दिने कि तुम सोचा रहे जीती है ना जेड़े जेड़े तू गाने गाना ना ऐसे तेरे गाने दे बीन भी आगे तू चेता रखा कि जब मुझे कहे तेरे ने किया। जय जय भारत 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 माता की। पहले तो मैं बताना चाहता हूँ, मैं विश्व दुबे मेंबर पीएचसी इंप्लाइज यूनाइटेड फ्रंट जम्मू। आपने जिक्र किया कि आप गुस्से में नजर आ रहे हो, तो मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ कि जो व्यक्ति 20-25 सालों से दर दर की ठोकरें खा रहा है, क्या उसके चेहरे पे खुशी का इजहार हो सकता है? मैं आप लोगों से ही पूछना चाहता हूँ कि अगर आप लोग भी 20 साल से 25 साल से दर दर की ठोकरें खा रहे होंगे, अगर सुबह का खाना बच्चों को मिला है तो शाम की चिंता लग जाती है, सुबह का अगर एक महीने की फीस बच्चों की मिली है तो दूसरे महीने की चिंता लगी जाती है, तो किस प्रकार से हम लोग जो है वो खुशी का इजहार कर सकते हैं? आप लोगों ने देखा पिछले 600 दिनों से पीएचई एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट जो है वो लगातार सड़कों के ऊपर है, लगातार अपनी डिमांडों के ऊपर प्रोटेस्ट कर रहा है, अपनी रेगुलाइजेशन पॉलिसी के लिए लड़ रहा है। लेकिन ये अंधी और बहरी सरकार, चाहे हम राज्य सरकार की बात करें या केंद्र सरकार की बात करें, इन लोगों ने बहुत बड़े बड़े आश्वासन हम लोगों को दिए थे। आप लोगों ने भी कवर की होगी 2014 की एमएस स्टेडियम की रैली, जहां पे माननीय जो उस वक्त के उम्मीदवार प्रधानमंत्री के थे और मौजूदा समय में जो प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी हैं, ये खुद उस रैली में उपस्थित थे, और इनके बैठे बैठे हमारे जुगल किशोर शर्मा जी ने जहाँ से ये बोला था कि अगर हमारी सरकार केंद्र के अंदर आ जाती है तो सबसे पहला काम जो होगा वो 370 वार्षिक का होगा, और उसके बाद दूसरा अगर कोई काम होगा वो तमाम दिल्ली में जिसको परमानेंट किया जाएगा। मैं पूछना चाहता हूँ माननीय जुगल किशोर शर्मा जी, आप तीसरी बार सांसद बनने के लिए जा रहे हैं, आपने 10 साल जो है वो दिल्ली में लगाए हैं, आप लोगों ने हमारे लिए क्या सोचा? केवल और केवल मैनिफेस्टो के अंदर आप हमारी डिमांड को रखते हो, केवल मैनिफेस्टो के अंदर डिमांड रखने से कुछ नहीं बनने वाला। मैं आपके चैनल के माध्यम से, तमाम एजेंसियों के माध्यम से केंद्र सरकार को आज आह्वान करना चाहता हूँ कि कोड ऑफ कंडक्ट लगने से पहले पहले अगर डेली वेजेस के लिए SRO 64 के तहत अगर पॉलिसी का प्रावधान नहीं हुआ, तो ये आप जो सपने लेके चल रहे हो कि हम जम्मू से 3-3 मेंबर पार्लियामेंट लेके जा रहे हैं, तो ये आपका इरादा पूरा होने वाला नहीं है। हमारे लोगों ने कसमें खाई है कि अगर हमारे डेली वेजेस का काम नहीं होगा, परमानेंट पॉलिसी नहीं मिलेगी, हम आप लोगों को बायकॉट कर देंगे। क्या उम्मीद है आपको, क्या जुगल किशोर तीसरी, हम तीसरी बार का इंतजार नहीं करना चाहते हैं। मैं अपने चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, हम इंतजार नहीं करने वाले हैं। अगर हो सका तो कोड ऑफ कंडक्ट से पहले पहले हमारे लिए कोई रेगुलेशन पॉलिसी का प्रावधान कराओ, तो आप जीत सकते हो, अन्यथा आपके सपने सपने रह जाएंगे, आप मेंबर पार्लियामेंट नहीं।